गाइस महाभारत के युद्ध में कौरव हारने की कगार पर थे और इसीलिए दुर्योधन एक रात भीष्म पितामह के पास आया और कहा कि आप पांडवों को जानबूझकर नहीं मार रहे। ये सुनकर उन्होंने तुरंत 5 सुनहरे तीर उठाकर मंत्र जप करते हुए घोषणा की कि वो कल 5 पांडवों को मार देंगे। लेकिन दुर्योधन को तब भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब भीष्म पितामह ने वो 5 बाण दुर्योधन को ही दे दिए और कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये 5 बाण तुम रख लो, मुझे सुबह युद्ध से पहले वापस कर देना। अब ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो उसी रात अर्जुन के पास गए और अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन की जान बचाई थी और उसने तुम्हें इसके बदले अपनी मनचाही वस्तु मांगने का वचन भी दिया था, तो आज वो वक्त आ गया है, तुम उससे वो 5 बाण मांग लो। अर्जुन ने वैसा ही किया और दुर्योधन से वो 5 बाण वापस ले लिए। गाइस इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम शंका करने से शायद उससे होने वाली हानि से तो बच जाते हैं, लेकिन प्राय हम उससे होने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। जय श्री कृष्ण। गाइस क्या आपको पता है कि नोएडा शहर का निर्माण एक आपदा के चलते हुआ था? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1976 की, जब देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था और तब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और उनके साथी नारायण दत्त तिवारी हेलीकॉप्टर से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। तभी उन दोनों ने हवाई यात्रा करते समय दिल्ली की सीमा के बाहर यमुना किनारे खेतों का इलाका देखा। ये इलाका उन दोनों को इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए यहाँ एक शहर बसाने की ठान ली और तब शुरुआत हुई इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी नोएडा की। वैसे गाइज क्या आपको नोएडा सिटी के फॉर्मेशन के पीछे की ये स्टोरी पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइज ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने महज 12 साल की उम्र में 3-3 मोबाइल ऐप बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जी हाँ गाइज, हरियाणा झज्जर में रहने वाले कार्तिकेय जाखड़ अब दुनिया के सबसे छोटे ऐप डेवलपर बन गए हैं। दरअसल कार्तिकेय को शुरू से ऐप बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब कोविड की वजह से उसका स्कूल बंद हुआ तो उसके पिता ने उसे एक मोबाइल लाकर दिया ताकि वो ऑनलाइन पढ़ सके। लेकिन कार्तिकेय का मोबाइल कुछ दिनों बाद चलते हैंग हो गया, जिसे उसने खुद YouTube की वीडियोस को देखकर सुधार लिया और इस तरह से उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और देखते ही देखते वो कोडिंग भी सीख गया, जिसकी मदद से उसने 3-3 मोबाइल एप्स बना डाले। फिलहाल कार्तिकेय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में BSc कर रहे हैं और उनका सपना है कि वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कुछ ऐसा करें जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया हो। गाइस कार्तिकेय ने यह साबित कर दिया कि एक छोटा पैकेट भी बड़ा धमाका कर सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। ये लाइनें इंडोनेशिया में रहने वाले अचमत जुलकार नीन पर बिल्कुल सटीक साबित होती है। जी हाँ गाइस, अचमत बचपन से ही अपाहिज है, जिसमें उनके हाथ और पैर दोनों ही नहीं है। बावजूद इसके आज वो इंडोनेशिया के सबसे फेमस फोटोग्राफर में से एक है। दरअसल अचमत की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं रही, क्योंकि जन्म से ही उनके खुद के माँ बाप ने उन्हें नहीं अपनाया और उन्हें नदी में फेंकने की कोशिश भी की थी। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त कितना भी बुरा हो एक दिन गुजर ही जाता है, और अचमत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचमत को एक कैमरा दिखा जिसे हाथ न होते हुए भी किसी तरह अचमत ने पकड़ लिया और शरीर की पूरी ताकत लगाकर एक फोटो क्लिक कर ली। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो फोटो अचमत ने क्लिक की थी वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से भी अच्छी खींची गई थी, और ये देखकर अचमत खुद भी हैरान था। फिर क्या था, अचमत ने फोटोग्राफी को ही अपना पैशन बना लिया और आज उनकी एक कंपनी भी है जहां बड़े बड़े मॉडल्स की लाइनें लगी होती हैं। गाइस अचमत की कहानी हमें बताती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशन वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आपके प्यार की जरूरत है।